सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अवस्थी है और आज मैं आपके सामने रीजनिंग के उसी सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें लास्ट सेशन में हम लोगों ने काउंटिंग फिगर का टॉप 5 क्वेश्चंस लिया था, जिसको मैंने पार्ट फर्स्ट दिया था। आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल्स काउंट करना सीखा था, आज के वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के साथ साथ स्क्वायर्स को भी सीखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने कुछ ये उठाया है, इसमें हम लोगों को ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि जब भी अगर इस तरीके की कोई आकृति बनी और उस आकृति को अगर 20 से ऐसे डिवाइड किया जाए तो उसे आप केवल ऐसे नंबर दीजिए और उन नंबर्स को काउंट कर लीजिए, आप तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसमें मालूम चल जाते। देखिए इतना हिस्सा कुछ इसी प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब इतने हिस्से में तो 3 ट्रायंगल्स होंगे। अब देखिए जब भी कोई इस चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज को ऐसे 20 से डिवाइड करते हैं तो उस स्थिति में उसमें टोटल जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो 2 बनते हैं। देखिए एक नीचे बनना और एक ऊपर बनना, 2 बनते हैं। तो देखो इतना हिस्सा जो है ये एक स्क्वायर है, इस चतुर्भुज को हम स्क्वायर भी कह सकते हैं और ये डिवाइड किया गया तो इतने हिस्से में ये 2 हमें और मिल जाएंगे। तो इस 2 को हम इस साइड में लिख लेते हैं। अगर हम और इतने हिस्से को ध्यान से देखें तो इतना हिस्सा फिर एक रेक्टेंगल रूप में और उसको फिर से ऐसे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर भी हमको 2 और मिल रहे हैं। तो 3 तो इसके कारण मिले और 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुए और 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 3 मिल चुके थे, 2 मिल चुके थे और 2 मिल चुके थे। चलिए अब और आगे हम आपको समझाते हैं। आगे अगर इतने हिस्से को ध्यान से देखें, केवल इतने हिस्से को, तो यहाँ शीर्ष से ये लंब डाला जा रहा है। अब इस शीर्ष से अगर ये लंब डाला जा रहा है तो फिर एक इधर और एक इधर 2, यहाँ पर 2 हमको और मिल रहे हैं। अब देखो ये बड़ा वाला हम नहीं काउंट कर सकते, बड़ा वाला इसलिए नहीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा वाला इस चतुर्भुज में हम लोग ने पहले ही काउंट कर लिया था। तो यहाँ से केवल हमको जो ट्रायंगल्स मिलते हैं वो केवल 2 ही मिल पाते हैं। और आगे अगर बढ़ के देखा जाए तो सेम उसी पैटर्न पर 3, 2, 2, 2 इतने तक पहुंच चुके थे। अब इसी पैटर्न पर अगर हम इतने हिस्से को ध्यान से देखें तो फिर वही स्थिति है कि यहाँ से भी ऐसे डिवाइड किया जा रहा तो यहाँ भी 2 बनेंगे, लेकिन हम बड़े वाले को फिर से नहीं काउंट कर सकते तो यहाँ पर हम केवल 2 ही मान सकते हैं। अब देखिए इतना हम लोग काउंट कर चुके हैं, अगर हम नीचे की तरफ जाके इतने हिस्से को देखें तो यहाँ से भी हमको 3 ही मिल रहा है क्योंकि ये वाला बड़ा वाला भी नहीं काउंट हुआ और ये 2 छोटे भी नहीं काउंट हुए, 3 ही हो गए। चलो अब इन सबको टोटल कर लेते हैं। तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 तक हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इस 14 के आगे की अगर बात की जाए तो इन 14 के आगे केवल एक ही ट्रायंगल शेष रह गया है और वो ट्रायंगल्स अगर देखा जाए तो वो ट्रायंगल्स एक ये हमें नज़र आ रहा है ये वाला और एक ये नीचे से ऐसे नज़र आ रहा। तो कुल मिलाकर अधिकतम यहाँ पर 16 ट्रायंगल्स हैं। कुल मिलाकर अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 अधिकतम 16 है, लेकिन इन दिए गए 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4th जो है वो हमारे इन 4 ऑप्शंस में अधिकतम है तो हम 15 वाले ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 15 बनेगा। एक बार चलिए फिर से इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो इतने हिस्से में 3 बने थे, ये चतुर्भुज को जब 20 से डिवाइड किया गया यहाँ से ऐसे तो 2 बने, इसको भी ऐसे जब डिवाइड किया गया तो यहाँ से भी 2 बने, इतने हिस्से को अगर ध्यान से देखा तो ये 2 और बने, यहाँ पर जब देखा तो 3 बने, यहाँ से जब देखा तो 2 बने और एक ये बड़ा सा बन गया और एक ये नीचे से बड़ा सा बन गया, मतलब 2। सबको जब जोड़ा तो 16 हुआ जो कि यहाँ पर अधिकतम है और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4th हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। आई होप आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार रिमाइंड करके इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इस सारे जो हमने काउंट करके बताएं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको मेहनत करनी और समझना है कि इसमें कितना, इस आकृति को ही आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब अगर इस प्रकार की आकृति बनकर आएगी तो उस कंडीशन में इसमें टोटल जो ट्रायंगल्स होंगे वो 15 होंगे। चलिए आगे बढ़ते, अधिकतम जो है वो 16 है, ये भी ध्यान रखो 15 यहाँ पर ऑप्शन था इसलिए यहाँ पर टिक किया, अगर 16 वाला ऑप्शन होता तो हम 16 को सही मानते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में भी हम लोगों को ट्रायंगल्स ही काउंट करना है, तो देखते हैं इसमें कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए लास्ट वीडियो में मैंने समझाया भी था
कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसको विकर्णों से ऐसे डिवाइड किया जाता है तो उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। देखो ये चतुर्भुज है बड़ा सा और इसको डायगोनल से ऐसे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर हम लोगों को 8 मिले। इस चतुर्भुज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी 8 मिलते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे विकर्णों से ही डिवाइड किया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने टोटल जो ट्राइंगल्स प्राप्त किए हैं वो हम लोगों को अभी तक 16 मिल चुके हैं। अब चलिए इन 16 के और आगे बढ़ते हैं। 16 के आगे अगर हम बढ़ते तो देखो ये वाला हिस्सा सेम वही है जब 20 से ऐसे डिवाइड किया गया तो इतने हिस्से में हमको 3 मिल गए। 16 3 19, एक ये बना और एक ये बना, मतलब 2। तो टोटल इसमें ट्राइंगल्स की संख्या 21 होगी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 21 है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसी कोई आकृति बनी होगी उसको ऐसे डिवाइड किया जाएगा तो उसमें 8 बनते हैं। देखो बड़े वाले चतुर्भुज में ऐसी आकृति यहाँ पर हमें दिखाई पड़ी थी, इस प्रकार से डिवाइड भी किया गया था तो हमने कहा 8। और देखो छोटे वाले में भी सेम यही पैटर्न था तो यहाँ से भी 8 मिल गया था। तो कुल मिलाकर इसमें 16 हुए और इसके बाद 3 ये मिल गया, 16 3 19, एक 20 और एक ये 21 था। टोटल इसमें 21 था, ऑप्शन नंबर 3 राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। इसमें इस पर हम लोगों को स्क्वायर काउंट करके बताने, टोटल नंबर आप स्क्वायर देखने। तो चलिए स्क्वायर को हम लोग अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई ऐसा स्क्वायर और उसको ऐसे डिवाइड किया जाता है तो उसमें 5 स्क्वायर बनते हैं। याद रखना ये पॉइंट, हम लोगों को याद रखना है कि ऐसे में 5 मिलते हैं। तो चलिए अंदर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये बना हुआ है, इसमें 5 मिले, इसमें हम लोगों को 5 मिले। और अगर बाहर की तरफ जाएं तो ये देखो बना हुआ है तो इसमें भी सेम वही पैटर्न है तो इसमें भी 5 मिलेंगे। अब चलिए बाहर वाले के पास जाके देखते हैं तो वहाँ पर भी सेम वही पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ पर भी 5 मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गए 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 है। बस इसमें याद क्या रखना है कि जब भी ऐसी कोई आकृति हो उसमें स्क्वायर बोले जाए तो 5 होंगे। तो बस अंदर से बाहर की तरफ चलते चले जाइए, एक ये 5, एक ये 5 और एक ये 5, कुल मिलाकर हो गए 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम इस अंदर वाले हिस्से पर जाते हैं तो अंदर वाले हिस्से में इतने वाले भाग को देखो। देखो जब भी कोई ऐसी आकृति हो जिसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या कि देखो इस स्क्वायर में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, रो में 1 2 3 और कॉलम में भी 1 2 3 है। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप बस उनको ऐसे कॉलम या रो को नंबर दे दीजिए 1 2 3 और उनका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और सबको जोड़ दो, 9 4 13 और 1 14। इसमें टोटल 14 स्क्वायर इतने हिस्से में बने हुए थे तो 14 तो यहाँ से मिल गए। अब चलो अगर हम बाहर जाके देखते हैं तो देखो एक ये बना हुआ है 15, एक ये था 16, एक ये था 17 और एक ये था 18, मतलब 4 ये और बने हैं। तो 14 ये और प्लस 4 ये कुल मिलाकर 18 हमें यहाँ से मिल चुके हैं। अब चलिए और देख लेते हैं। तो एक देखो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। तो 18 और प्लस 4 और जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास 22 हो जाते हैं। टोटल इस समय देखो यहाँ पर 22 मिल चुके हैं। अब 22 के बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर एक ये बन रहा है 23 हुआ, एक ये बन रहा है 24 हुआ, एक ये बन रहा है यहाँ से 25 हुआ, एक ये बन रहा और ये 26 हुआ और एक ये बड़ा बन रहा है। कुल मिलाकर इसमें जो हैं वो 27 जो होंगे वो ट्राइंगल्स की संख्या होगी, तो इस स्क्वायर की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें स्क्वायर ही काउंट करने हैं। अगर देखिए स्क्वायर की बात की जाए तो ऊपर वाले हिस्से में अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं स्क्वायर, या फिर ट्राइंगल्स की बारे में बोला जाए तो ट्राइंगल्स भी काउंट किए जा सकते हैं, स्क्वायर भी काउंट किया जाए। तो अगर हम स्क्वायर पर देखें तो 1 2 3 4 ये ऊपर बने हुए हैं तो जस्ट जैसा ऊपर बना हो वैसे नीचे बना है तो 8 तो टोटल ये हमारे स्क्वायर हो गए। अब 8 के बाद एक ये बना हुआ है 1 2 3, 3 स्क्वायर ये, 3 उसी प्रकार से नीचे तो 3 3 6 और बीच में 1 2 3 4,
मतलब 8, 6, 14, 4, 18। अगर स्क्वायर्स की बात की जाए तो टोटल इसमें 18 स्क्वायर है। कैसे ये 18 काउंट किए हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 नीचे मतलब 8, फिर 1, 2, 3 ये और 3 नीचे मतलब 6, 1, 2, 3, 4 मतलब ये 4, कुल मिलाकर इस समय 8, 6, 14, 4, 18। देखो एक ये और बना है 20 और एक ये बना हुआ है 21 और एक ये बीच में बना हुआ है 22। तो कुल मिलाकर अगर स्क्वायर्स की बात की जाएगी तो इसमें 22 स्क्वायर बने हुए हैं। फिर से अगर देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 4 नीचे मतलब 8, फिर 1, 2, 3, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कुल मिलाकर ये 6, फिर 1, 2, 3, 4 ये, तो 18, 4, 22, 6, 24, 8, 4, 12, 6, 18, 18 तो ये हो गए। एक ये बना हुआ है 19, एक ये बना हुआ है 20 और एक ये बना हुआ है 21, मतलब टोटल 21 हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर स्क्वायर्स की काउंटिंग की जाए तो इसमें 21 स्क्वायर बने हुए हैं। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 6 से नंबर से स्टार्ट होकर 10 नंबर तक, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर और ट्रायंगल्स के बारे में सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे, पार्ट सेकंड पर पहुंचेंगे, पार्ट सेकंड के बाद पार्ट थर्ड में पहुंचेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम में अगर हम इन पूरे पार्ट्स को देखेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे छूट जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।